ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक बयान में IRGC ऑपरेशन के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निल फोरुशन के इसराइली हमले में मारे जाने की पुष्टि की है। हालांकि इस बयान में IRGC ने जवाबी कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन लेबनान में इसराइली कार्रवाई की आलोचना की। आपको बता दें कि IRGC ने इससे पहले कई बार हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत का पतला लेने की बात कही थी। इस्माइल हानिया की चुलाई के अंत में तेहरान में हत्या कर दी गई थी। बयान में IRGC ने अब्बास निल फोरुशन को अपना लेबनान में सैन्य सलाहकार बताया। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी लेबनान में इसराइली हमले जारी हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान के दक्षिणी भाग में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाने वाली बेका घाटी में भी 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं इसराइली सेना का कहना है कि उत्तरी इलाके में सीमा पार से गोलीबारी हो रही है। इसी के साथ साथ वो दक्षिणी हिस्से से भी खतरे का सामना कर रहा है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि रेड सी से इसराइल के दक्षिणी हिस्से की तरफ आ रहे ड्रोन को रोका गया है। IDF ने यह भी बताया कि लेबनान की तरफ से 8 और हमले इसराइल की तरफ किए गए हैं और कुछ ही समय पहले इसराइल के उत्तरी हिस्से में सायरन के जरिए इसे लेकर चेतावनी भी दी गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि हमारी राज्य इकाई इस विषय पर चर्चा कर रही है, हम तमाम तरीके के विकल्प लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की सोच है तो वहीं अकेले चुनाव लड़ने पर भी पार्टी विचार कर रही है। झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत जनाधार रहा है। मेरा जब जन्म हुआ था तब बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे, तो यह मेरी जन्मभूमि और मेरे पिता की कर्मभूमि भी रही है। पार्टी यहां चुनाव लड़ेगी, यह फैसला किया गया है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि अब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे या अकेले, इस पर चर्चा जारी है और बताया जाएगा। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक कम से कम 120 लोगों की मौत हो गई है। 2 दिनों की भारी बारिश के बाद काठमांडू के आसपास के इलाके पानी में डूबे हुए हैं और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग घरों की छतों पर फंसे हुए हैं। नदी के पास के इलाकों में कई घर सैलाब में डूब गए और कई हाईवे भी जाम हैं। इस बीच मंगलवार तक बारिश के जारी रहने का अनुमान है। नेपाल की सरकार के मुताबिक अभी तक 3,000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से आज रविवार सुबह 5 बजे फीरपुर के कोसी बैराज से 6.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। यह बीते 56 साल में पानी की सबसे बड़ी मात्रा है। इसकी वजह से बिहार में कोसी के किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसमें पहले भी कई विनाशकारी बाढ़ आ चुकी है। कोसी के इलाके में अभी भी कई लोग घरों में फंसे हुए हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए NDRF और STRF की टीमें काम कर रही हैं। इस बीच बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ की आशंका पर RJD सांसद मीसा भारती ने कहा कि टेलीविजन के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि कोसी का जो बैराज है उसके सारे गेट खोल दिए गए हैं और पानी का स्तर काफ़ी ऊपर है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और जितने मंत्री और संबंधित पदाधिकारी हैं वो तैयार बैठे होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक हुड्डा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम नेता अपने काम नहीं बता रहे हैं और इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी वो मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार तो आ ही गई है। हम उनका धन्यवाद करते हैं।
हरियाणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन हैं। उनका कहना है कि अग्निवीर योजना इसीलिए लाई गई है क्योंकि सरकार उन्हें पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अमित शाह ने कहा कि अग्निवीर योजना सिर्फ हमारी सेना को जवान बनाए रखने के लिए बनाई गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने बेटों को सेना में भेजने से पहले संकोच ना करें, हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी मिलेगी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्लाह की इसराइली हमले में मौत के बाद आज रविवार के लिए अपनी चुनावी सभाएं रद्द करने की बात कही है। महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को एक्स पर लिखा कि मैं लेबनान और गजा के शहीदों के साथ, खास तौर पर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता में खड़ी हूं। इस कारण मैं कल के लिए अपना चुनावी प्रचार रद्द कर रही हूं। इस दुख की घड़ी में हम फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। अब महबूबा मुफ्ती के इसी ट्वीट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। भाजपा ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि हसन नसरल्लाह की मौत से महबूबा मुफ्ती को इतना दर्द क्यों हो रहा है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। इसराइल पर हमला करने वाला हिजबुल्ला कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती हैं। ये घड़ियाली आंसू हैं, लोग इनकी मंशा समझते हैं। जिस आदमी ने पूरी दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना ही ठीक है। वहीं बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर इरवानी ने परिषद के 15 सदस्यों को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनके देश के राजनयिक परिसर या किसी राजदूत पर किसी भी तरह का हमला होता है तो तेहरान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इरवानी ने कहा कि ईरान इंटरनेशनल लॉ के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में बिल्कुल संकोच नहीं करेगा। राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों की रक्षा के लिए ईरान हर संभव कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा परिषद से अपील करते हैं कि इसराइल के खिलाफ निर्णायक फैसला लें ताकि ईरान खुद को युद्ध में धकेले जाने की स्थिति को टाल सके। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बात करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि अब अधिकतर लोगों में आम सहमति है कि हरियाणा में चुनाव मौजूदा सरकार के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ होंगे और कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा। प्रतिक्रिया, फीडबैक, भावना सभी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हैं। मुद्दा 3 कृषि कानून, एथलीटों का अपमान, कृषि संकट, मध्यम वर्ग और युवा लोग, हर कोई तंग आ चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक उत्साही अभियान लड़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव को भारी बहुमत से जीतेंगे। जम्मू कश्मीर में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और हमारा गठबंधन शीर्ष पर है। दोनों दलों ने अपना घोषणा पत्र दिया है और भ्रम की भावना पैदा करने के सभी प्रयासों के बावजूद मैं इस राय पर हूँ कि हम आरामदायक बहुमत के साथ सरकार बनाने में सक्षम होंगे। RJD नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को न जाने क्या हो जाता है, चुनाव के समय प्रधानमंत्री की काया पलट हो जाती है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भाषा की गरिमा का ख्याल रखें। चुनाव हैं, फिर से चुनाव होंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, देश मत हारने दीजिए। आप 2014 में 2 करोड़ की नौकरी के फायदे पर आए थे, क्यों अपने वादों से मुकर गए। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले में संदिग्ध माओवादियों द्वारा लगाए गए IED विस्फोट में CRPF के 5 जवान घायल हुए हैं। यह विस्फोट उस समय हुआ जब सुरक्षा बलों के जवान एक नक्सल ऑपरेशन के लिए निकले हुए थे। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार को तर्रेम क्षेत्र के अंतर्गत चिन्ना गेलूर CRPF कैंप से जवानों का एक दल डी माइनिंग ड्यूटी पर निकला था। तर्रेम और गुंडम के बीच एक IED बरामद किया गया और इस IED को निष्क्रिय करने के दौरान गलती से इसमें विस्फोट हो गया जिसमें 5 जवान घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए जिला मुख्यालय लाया जा रहा है। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित
शिकायतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज FIR पर मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ED भाजपा का संग्रह एजेंट है जो पैसा भाजपा के खातों में गया है और जा रहा है वह ED के माध्यम से जा रहा है। ED एक भ्रष्ट संगठन है। निर्मला सीतारमण के खिलाफ आरोप इसलिए दर्ज किए गए हैं क्योंकि उन्होंने अवैध रूप से धन जमा किया है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि ED ने उन्हें यह पैसा इकट्ठा करने में मदद की। ED और CBI इस देश में सबसे भ्रष्ट संगठन है और अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो वे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार को शहर में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी की घटनाओं का हवाला देते हुए दावा किया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और जंगल राज कायम है। देश की राष्ट्रीय राजधानी में लोग डरे हुए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत प्रभावी कदम उठाने होंगे क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।